मेरे पास ये रेडियो का कनेक्शन है, लगभग लगभग क्या डिफरेंट मॉडल 1100 हैं मेरे पास रेडियो, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 625 का, ये 2005 का, और मेरे बराबर जो रेडियो का कलेक्शन पूरी इंडिया में क्या पूरे विश्व में नहीं है जी। कब से कब तक क्या आपके पास रेडियो है? ये वैसे तो मैं पहले से ही करता रहा हूँ, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 अक्टूबर 2014 से मन की बात उन्होंने शुरू की है, तब से मेरा रुझान इसके प्रति बढ़ा और तब से मैं रेडियो संग्रह करने में लगा। और मैंने ये मन बनाया कि मैं पूरे देश में जगह तक घूमाऊँ, संग्रहालय हर चीज़ का है, लेकिन कहीं भी जो है रेडियो संग्रहालय अपने देश में नहीं मिलता है देखने को। इसलिए मैंने ये सोचा भाई ये तो हमारी बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर रही है और इसका जो है कलेक्शन करना बहुत जरूरी, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ और समाज ये सोच समझ कर देख सकें कि कभी ये भी उपकरण हुआ करता था। तो कौन सी सन से लेके कौन से मॉडल के कब कब के रेडियो आपके पास है? मेरे पास सन 1920 से लेकर 2010 तक के मॉडल, विभिन्न मॉडल हैं। अच्छा, कौन कौन सी कंपनीज उसमें पुरानी चलती थी? मार्कोनी फ़ोन है, इंग्लैंड, वो इंग्लैंड बाहर की है, और ग्राउंडिंग है, वो भी इंग्लैंड की है, और अपनी कंपनियां ये मर्फी है, फिलिप्स हॉलैंड का है, ये सब जो विभिन्न जो सोनी कंपनी है जापान की है, पैनासोनिक कंपनी वो भी जापान की है, प्राइन के सभी काफ़ी अच्छे मॉडल मेरे पास हैं। तो क्या चाहते हैं अब आप? मैं तो ये चाहता हूँ ये संग्रहालय जो है मतलब अच्छी तरह से स्थापित हो और आने वाली जो भावी पीढ़ी को जो ये संग्रहालय देखने को मिले, क्योंकि वैसे भी ये हमारा संग्रहालय हाईवे पर है और एक होटल जो ये गजरौला जो होटल और खान पान का प्रमुख स्थल है, और अधिकतर लोग नैनीताल, अल्मोड़ा, कार्बेट पार्क का जाने वाले इधर से निकलते हैं, काफ़ी यात्री आते हैं यहाँ भी देख के इसे रुकते हैं, लेकिन उस प्रकार से मैं सेटअप नहीं कर पाया जिस प्रकार से ये संग्रहालय होना चाहिए। कितना मुश्किल आई, कैसे कैसे आपने कलेक्ट किया है? कलेक्शन तो ये है कि मैं दिल्ली, मेरठ, कानपुर, जहाँ भी मतलब किसी फ़ोन आ जाता है या दो चार रेडियो होते हैं, क्योंकि एक रेडियो ले जाने जाना नहीं पड़ता, वो इकट्ठे करते हैं, मैं फ़ोटो भेजते हैं, मैं उन्हें चूज करता हूँ और या तो उनसे मंगा लेता हूँ पैसे करके, या फिर मैं खुद जाता हूँ। तो कितना महंगा रेडियो आपके पास इस वक्त है? जो मतलब सबसे महंगा है जी 5000 का लगभग है, 5000 का रेडियो है। अच्छा। वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो जो है जहाज के अंदर भी चलता था, शिप में भी चलता था वो रेडियो। अच्छा, कौन सी सन का? वो उन 40 के लगभग है, 40-50 के बीच का है। अच्छा, हाँ। तो कितने रेडियो हैं टोटल आपके पास अब? टोटल भाई मेरे पास डिफरेंट जो है 1100 रेडियो हैं। तो गिनीज रिकॉर्ड से भी आपको दुगना है लगभग? अच्छा, हाँ। तो गिनीज बुक से भी आपको कॉल आई है, कैसे क्या कॉल की? उनके ईमेल आए हैं, उन्होंने मुझसे पहले पूछा था भी कितने रेडियो, आप उनकी सबका मॉडल नंबर फिर एक सूची बनाकर भेजो, फिर मैंने भेज दिया, फिर उनकी एक वो आई फिर मेल कि आप इन्हें फ़ोटो सहित भेजो PDF बना के, मैंने भेज दिया है। अब वो उनका शायद 3 मंथ्स का टाइम होता है, उसके बाद वो देखना आएंगे। उन्होंने कहा था कि आप जहाँ जहाँ जैसे रखें उनका नंबरिंग करो सबका, हम उसी प्रकार से, तो मैंने जो आप देख रहे हैं ये सब अलमारीज वगैरह में जो वही नंबर से उसी हिसाब से सीरियल रख रखा है, वो जब आएंगे गिनती करेंगे मेरी शर्ट को रिसू हो जाएगा। किस उद्देश्य से आपने इसका कलेक्शन किया है? लोग जान सकें? हाँ, लोग जान सकें, संग्रहालय बन सके पूरे देश में, कोई संग्रहालय नहीं है जो है, और इसमें सरकार को जो है मेरी सहायता करनी चाहिए। तो इंस्पायर्ड किससे हुए आप ये रेडियो के संग्रह के लिए? मोदी जी की मन की बात से 2014 से। पहले कुछ था आपके पास? पहले भी था, पहले मैं जब डाक टिकट का, सिक्कों का और रेयर बुक्स का कलेक्शन करता रहा हूँ और छुटपुट रेडियो, लेकिन तब उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली आपको? हाँ, तब से ये जो विशेष रुझान हुआ कि जब मोदी जी ने मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही इस माध्यम को चुना है मन की बात के लिए, तो इस बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है ये।